हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 11:30, 11:30 क्या, 12:15 हो गए हैं। और आज है इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी का मीटअप। सहारागंज मॉल में हम लोग जा रहे हैं। देखो मुलाकात होती कि नहीं, क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब कि इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी लेट हो गया है। तो जो है देखते हैं, जा रही हूँ और मैं पहली बार जा रही हूँ उनके मीटअप में। वो अक्सर मीटअप करती रहती है जब भी आती हैं यूपी, तो आज मैं जा रही हूँ। देखते हैं कि मेरा मीटअप कैसा रहता है, और जैसे भी होगा मैं आप लोगों को बताती रहूँगी बीच बीच में। और अभी हम लोग रास्ते में हैं, टाइम लगेगा, मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ता है सहारागंज मॉल। तो मिलते हैं हम आपसे मीटअप में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी कोई भी पिक बिना पाउट के सोनी रहती है। मेरे को पाउट बनाने की बहुत ज्यादा आदत है। अनिका अनाया सेकंड करो। फालतू का कमेंट ना करो, सिर्फ प्यार देना सीखो, नफरत फैलाना मत सीखो, समझे? उससे छुटती है। क्योंकि हम बहुत प्यार करते हैं, हम लोग बहुत मेहनत सब लोग करते हैं ना, वो आप लोगों को नहीं दिखती है। तो प्लीज़ ये देखो यार, और देखो आपका भी चैनल है लेकिन बहुत क्यूट हो आप। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे कोई मिस हो जाएगा तो बताइएगा। थैंक यू। आगे मेरे लिए क्या वीडियो नहीं चाहिए? है अब है। ओके ओके, चल रहे। थैंक यू सो मच। और धीरे मुझे देखो ये गिफ्ट दिया है, थैंक यू सो मच। इसको मैं लगाऊंगी ही नहीं, ऐसे रख के रहूंगी हमेशा। नहीं लगाना, अगली बार आएंगे तो और देंगे। शहर से मिल गया कोई। बर्थडे गर्ल।
फ्रेंड्स, तो आज का जो मीटअप था इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी के साथ, वो बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे यूट्यूबर्स आए थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यूट्यूब, जिनका चैनल नहीं था लेकिन वो लोग आए थे मिलने के लिए, और बहुत अच्छा मीटअप था। उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। मैं तो पहली बार आई थी उनके मीटअप में, लेकिन कुछ लोग ऐसे आई थी जो कई बार मीटअप में आ चुकी हैं, और उन लोगों ने भी मुझे भी बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी किया, और उन लोगों ने वीडियो बोली कि वो, मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे थे बहुत अच्छे थे, और उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं यार। उनका भी स्वभाव बहुत अच्छा था, उनकी बेटी, उनके हस्बैंड, सबसे हम लोग मुलाकात किया, बहुत अच्छा था। और हम लोगों ने, मैंने तो काफ़ी, मैं पहुंचने में थोड़ा 10-15-20 मिनट लेट हो गई थी, लेकिन मैं बिल्कुल एंड तक रही हूँ, और हम दोनों साथ ही निकले हैं। उनके अभी कुछ प्लान्स थे जो उनके फ्रेंड्स लोगों से मिलना था, तो वो वहाँ पे चली गई, और हम जो है, मैं भी अब जा रही हूँ घर, और उसके बाद बस अब देखते हैं क्या होता है। बट अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो जितने भी किरण जी के सपोर्टर्स हैं, प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।